बैजनाथ में 15 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनी बैजनाथ झील में नौकायन सहित अन्य खेल गतिविधियां संचालित करने की मांग मुखर होती जा रही है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि झील निर्माण में इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि झील निर्माण के दौरान नौकायन, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास के कार्य संचालित करने का भरोसा दिलाया गया था। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने झील में न तो खेल व पर्यटन से संबंधित गतिविधियां शुरू की हैं और न ही झील की पर्याप्त सफाई की जा रही है। झील की उपेक्षा से लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, बैजनाथ झील जो कि सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है, काफी लंबे समय से झील का प्रस्ताव यहाँ पर को आया था, तो जब झील बनने के बाद तैयार हुई है तो अब तक झील में जो सफाई नहीं होने के कारण से इस झील का कोई ऐसा यूज तो हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर को न झील का पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता है, ना ही इस झील में क्या कहते हैं मछली का पालन होता है। बीच में यहाँ पर को एक फुटब्रिज बनाया गया था जो, तो उसमें भी काफ़ी लागत से बना था, वो भी अब क्या कहते हैं यहाँ पर टूट चुका है। तो इतना एक तो सरकार का नुकसान है, दूसरा जो यहाँ पर को पर्यटक आते हैं कि झील हमको साफ सुथरी दिखेगी, उसका क्या कहते हैं अच्छा हम दृश्य यहाँ पर को देख सकेंगे, लेकिन वो मायूस लौटते हैं क्योंकि इसमें आसपास कोई भी ना तो झील में सफाई है और ना ही क्या कहते हैं झील के अंदर उनको देखने के लिए कुछ मिलता है। अभी फिलहाल अभी उन्होंने पानी खोल दिया है तो आजकल तो झील है ही नहीं, तो इसलिए इसको पर्यटन को भी नुकसान है और हमारी बैजनाथ जो धाम है यहाँ पर को यह देव स्थल है तो इतना प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ से देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो मायूस लौटते हैं और एक खराब संदेश लेके जाते हैं। तो इसलिए सरकार को इसमें जल्द से जल्द सुधार लाने चाहिए और इस झील की सफाई तुरंत करानी चाहिए। मैंने इससे पहले भी इस झील के बारे में सोशल मीडिया में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले भी बताया है, यह झील जब से बनी है तब से यहाँ के लोकल लोगों को अभी तक मुझे नहीं लगता कि एक पैसे का फायदा हुआ है। बहुत समय से बारिश बंद हुए भी 3 महीने हो गए, जबकि ये 3 महीने जैसी बारिश बंद होती है ये सबसे पहले झील की सफाई होनी चाहिए थी। झील की सफाई के साथ साथ इस झील में वाटर गेम्स होते, पर्यटक को बढ़ावा मिलता, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, यहाँ के लोकल व्यापारी हैं, चाहे क्षेत्र के व्यापारी हों, कोई भी व्यापारी है, उनको 2 पैसे की आमदनी होती और पलायन कम होता। मुझे नहीं लगता है कि सरकार का इस क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप है, या वन विभाग हो, खनन विभाग हो, या सिंचाई विभाग हो, इस तरफ किसी की नज़र नहीं है। और अगर इस पर नज़र रहती, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नज़र रहती, तो आज तक इस झील को सफाई कराई जाती और इसमें बहुत बढ़िया से खेल हो सकते थे, वाटर गेम्स हो सकते थे, यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटक को बढ़ावा मिलता है इस क्षेत्र में। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी में को ये चीज़ दिख रही है। करोड़ों की लागत से पर्यटन विभाग ने या सिंचाई विभाग ने यहाँ इतनी बड़ी झील बनाई और इतना बड़ा आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी पार्किंग बनी है, 6 करोड़ के लगभग की पार्किंग बनी है, इससे यहाँ के अभी तक किसी क्षेत्र के लोकल आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार से आम जनता ये चाहती है कि जो जनता का पैसा लगता है उस पैसा का रिटर्न मिलना चाहिए। जितना पैसा जनता का इस झील के निर्माण में लगा है उसका आउटपुट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों की उदासीनता इसको मैं कहूँगा, या कर्मचारियों की अधिकारियों की लापरवाही इसको कह सकता हूँ, जब से झील बनी है तब से आज दिन तक इसमें सारा सिल्ट जमा हो चुका है, उसको हटाया नहीं गया है। सिल्ट नहीं हटाने की वजह से एक और मंदिर को खतरा बन रहा है, क्योंकि सिल्ट अगर ऐसी जमा होते रहेगी तो बारिश आने के बाद फिर पानी मंदिर तक पहुँचेगा और जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है इसको खतरा पैदा होगा। दूसरी बात यह है कि ये झील निर्माण इसलिए किया गया था कि ताकि यहाँ पे ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है, इस स्थान पे पर्यटक आते हैं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं, उनके लिए नौकायन उसमें हो सकता था, वाटर गेम हो सकते थे, तो ये सब बहुत सारी एक्टिविटीज उसमें हो सकती थी, लेकिन प्रशासन की इसको जो आप कहेंगे एक नाकामी है,
प्रशासन जो है कम से कम आंख मूंदे है, पैसा लग गया, जनता का पैसा लगा है। मैं सरकार की इसमें कोई गलती तो नहीं मान सकता, क्योंकि सरकार ने तो प्रयास किए हैं, सरकार ने जनता का जो पैसा था वो जनता को दिया है, निर्माण कार्य किया है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनका उत्तरदायित्व है कि पैसा तो लग गया, अब नियमानुसार उसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जो बैजनाथ झील है उसमें एक्चुअली पिछले वर्ष ही हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि रिवर ट्रेनिंग उसमें कराई जाए, ताकि वहाँ जो बहुत ज्यादा मलबा जमा हो गया है उसका निस्तारण हो सके और उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल सके। लेकिन वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने उस पर आपत्ति करी थी, जिसमें जाँच कराई गई और ASI से हमने NOC के लिए लिखा, तो ASI ने बिल्कुल ही ASI ने मना कर दिया कि हमारे मंदिर को खतरा हो जाएगा। शायद उनको कुछ कंफ्यूजन की स्थिति थी कि कोई निर्माण कार्य होना है, बट दोबारा से जब सारी स्थिति क्लियर की गई कि कोई निर्माण कार्य नहीं होना है, अभी तो मंदिर के को बचाने के लिए ये कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष आपने देखा कि बहुत सारा वहां पे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और पूरी जो सुरक्षा दीवार थी पीछे साइड में वो भी टूट गई। तो इसके मद्देनजर फिर वहां से हमें NOC मिल गई है और उस पर कार्रवाई चल रही है, और SDM और खान अधिकारी और जो संबंधित विभाग है उनकी पूरी टीम ने निरीक्षण कर लिया है, तो तत्काल हम उस पर डिसीजन लेने वाले हैं कि रिवर ट्रेनिंग हम बैजनाथ झील में जो भी कराना हमको, हम तत्काल रूप से उस पर इस हफ्ते शायद डिसीजन हमारा हो जाएगा। अभी जांच रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है, बट एक दो दिन में जांच रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन ले लेंगे। प्रशासन की करनी कथनी का अंतर यदि कहीं देखना है तो बैजनाथ चले आइए, जहां पर 15,23,00,000 की लागत से बने हुए बैजनाथ बैराज के सफाई का कार्य अधर में लटका हुआ है। पिछले लंबे समय से खान विभाग व प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई करने तक सीमित है। मेरे ठीक पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं उसमें बैजनाथ बैराज के बारे में बताया गया है कि इस बैराज के बनने से इस बैराज में मत्स्य पालन होगा, इस बैराज में नौकायन होगा, लेकिन अभी तक एक भी कोई एक्टिविटी इस झील में इस बैराज में नहीं हो पाई है, जिससे शासन प्रशासन की करनी कथनी का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कैमरामैन अंकित के साथ मैं अखिल आजाद, CCN न्यूज, गरुड़ बैजनाथ। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।